नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। नया साल का तोहफा आशा करते हैं आप लोग भोजन को मिल ही गया रहेगा जेटोरस की ओर से। जेटोरस का स्टॉक है आपके पास? नहीं है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए खरीदने का। आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सर्किट लगने वाला है। देखिए अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर सर्किट लग गया है और ये जो है 42.75 में लास्ट ट्रेडिंग में क्लोज हुआ है। जेटोरस में जो है बहुत सारा ड्यूज था, अभी ड्यूज जो है वो चलते ही कारण जेटोरस जो है बंद हो गया था। तो जेटोरस में अभी ख़रीदने के लिए बहुत सारे कंपनी जो है इच्छुक है। सिनर्जी ग्रुप है उसमें से, हिंदुजा ब्रदर है उसमें से। तो अभी बहुत सारे निवेशक इसमें जेटोरस में इन्वेस्ट करने के लिए, जेटोरस को ख़रीदने के लिए अपना इच्छा जता रहे हैं। तो जेटोरस जो है उम्मीद करते कि बहुत जल्दी से जल्दी दोबारा उड़ान भरना चालू करेगा। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जेटोरस हो सके तो आप लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। पहले हफ्ते में ही जेटोरस ने 27.19% का जो है बढ़ा दिया प्राइस। तो आपको बताना चाहेंगे जेटोरस जो एक समय 300 रुपये के ऊपर में ट्रेडिंग करता था, लेकिन ये सब ड्यूज़ के चलते जेटोरस वो पैसा अमाउंट जिनका जो उनका ड्यूज़ था मार्केट में वो क्लियर नहीं किया था, इसके लिए मार्केट में जेटोरस बंद हो गया था। लेकिन बहुत पुराना जेटोरस है और सबसे बड़ा एयरलाइंस में से एक था जेटोरस। तो उसी को देखते हुए शायद से बहुत जो बड़े बड़े कंपनीज हैं इन्वेस्टर, हिंदुजा ब्रदर तो आपको पता ही, बहुत बड़ा कंपनी है, एक उनका बहुत सारा कंपनीज है मार्केट में, हिंदुजा ब्रदर ग्रुप है। तो हिंदुजा ब्रदर जो है कोशिश कर रहे हैं इसमें जो है बिडिंग करके जेट एयरलाइंस को ख़रीदने का। और उसमें से सिनर्जी ग्रुप भी ट्राई लगातार उसमें कोशिश कर रहा है कि जो जेट एयरलाइंस है उसमें थोड़ा ये करने के लिए मैक्सिमम जो है स्टेक खरीदने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरलाइंस में हो सके तो आप देख लीजिए, फिर भी उसमें अभी भी लग रहा है मुझे कि रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न का मौका मिल सकता है आपको। जिसने भी खरीद के रखा, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में खरीद के रखा तो प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा इसमें अच्छा सा न्यूज़ ले लीजिए, उसके बाद ही बेचिए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका कि इसको मत बेचिए। अभी जेटोरस बहुत सारे वीडियोस देखे था मैं जिसमें बता दिया था कि जेटोरस को बेच देना चाहिए, वो अभी रिटर्न नहीं होगा जेटोरस। लेकिन बहुत सारे मैंने वीडियोज़ क्रिएट किया था उसमें को बताया था कि जेट एयरवेज जो है वो रिटर्न आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बिडिंग इसमें लग रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इच्छुक है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक खरीद के अपना मालिकाना लेने के लिए। तो जेटोरस जो है आपके पास अगर है तो रखिए थोड़ा दिन, अगर आपको लगता है कि नहीं बेच देना चाहिए तो वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन के आप उसमें स्टॉक खरीदे या बेचे, आप देख लीजिए। फिर अगर आपके पास स्टॉक है तो ज़रूर कोशिश कीजिए थोड़ा स्टॉक आपके पास रखने का, हो सकता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।